शारदीय नवरात्र के पहले दिन गुरुवार को देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने मां का दर्शन पूजन कर परिवार व समाज की मंगल कामना की। शहर के देवी मंदिरों पर पूरे दिन भीड़ लगी रही। घंट घड़ियाल की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। गोलघर स्थित काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंत्रोच्चार और आरती के बीच मंदिर प्रांगण धूप अगरबत्ती की खुशबू से भर उठा। मंदिरों के सामने सजी प्रसाद की दुकानों से चुनरी नारियल आदि लेकर लोगों ने माता को भेंट किया। नवरात्रि को लेकर मंदिरों को खास ढंग से सजाया गया था। मां की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया गया था और लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मां काली की पूजा कर रहे थे, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के पुजारी विजय कुमार सैनी ने बताया। विजय कुमार सैनी सर, भक्तों के लिए यहाँ हर एक तरह की व्यवस्था रखा हुआ है। मास्क लगा के सबको आने के लिए कहा जा रहा है, लाइन लगा कर आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सुबह से शाम तक लाइन ही लगा हुआ है यहाँ पर, और मतलब आज से स्टार्ट हुआ है, 9 दिन तक रहेगा और 9 दिन तक ही लाइन लगा के आना जाना, इस तरह सारे यहाँ पर व्यवस्था रखी तभी सर मान लिया आ तो देखो हजारों की संख्या तो हो ही गई। माना जाना मंदिर है, काली मंदिर बोल रहे हैं। जी माना जाना है। कितनी संख्या में भीड़ होती है, कितने लोग सर अनगिनत भीड़ होती है सर, अनगिनत भीड़ होती है, उसकी कोई संख्या नहीं है।